दंगल कराने का बस वैसे मन कर गया पहलवानों के बस हौसला के लिए थोड़ा इनको कुश्ती में बढ़ावा मिले मन कर गया मैं करा देते हैं दंगल और परमात्मा की दया रही तो ये हर साल होता रहे। प्रार्थना एक बार दंगल के बीच में आ जाए लाल जांग यहाँ पे सोमी रुखी के साथ लड़ रहा है ये अंकिता उमेश पहलवान का छोटा भाई। राम राम भाई सारे दोस्तों यहाँ पहुँचे हैं विशाल कुश्ती दंगल व भंडारे का आयोजन है यहाँ पर आज टिकान कला चरखी दादरी में और हमारे साथ अभी यहाँ उपस्थित हैं काला पहलवान और वेदपाल डीएसपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और यहाँ इस दंगल का आयोजन करवा रहे हैं ये इनसे बात करते हैं। राम राम जी पहलवान जी। राम राम भाई। राम राम काला पहलवान। राम राम जी। राम राम अखाड़ा भी चला रहे हो पहलवान जी? नहीं नहीं भाई साहब कोई अखाड़ा नहीं चला रहे अभी गेम कर रहे हैं हम भी अभी स्पोर्ट्स में है सीआरपी सेंटर टीम में। अच्छा जी मतलब दंगल करवाने का उद्देश्य है? दंगल करवाने का बस वैसे मन कर गया पहलवानों के बस हौसला के लिए थोड़ा इनको कुश्ती बढ़ावा मिले मन कर गया मैं करा देते हैं। बहुत बड़े कितना इनाम है? 1,00,000 रुपए इनाम भाई साहब पहली कुश्ती 1,00,000 रुपए इनाम है पहली कुश्ती का और उसके अलावा 31,000 21,000 दो 51,000 की है 31,000 की है 11,000 की कई कुश्तियाँ और जो ज्यादा पहलवान आ गए तो कुश्तियाँ बढ़ा देंगे 1,00,000 की दो भी करा देंगे 3 भी कोई बहुत बढ़िया। साथ में हमारे काला पहलवान बैठा है आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे पहलवान जी। मैं काला पहलवान गांव एरी भारत केसरी पहलवान और कई बार इंटरनेशनल सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हूं और अभी कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए ये दंगल करा रहे हैं। बहुत बढ़िया पहलवान जी कुश्ती के साथ साथ जो दंगल करवाया गया है उसके साथ मैंने देखा कि भंडारे का भी आयोजन किया गया है जी तो वो मतलब हर साल करवाते हैं भंडारा? नहीं भंडारा और दंगल पहली बार कराया गया है और परमात्मा की दया रही तो ये हर साल होता रहेगा। बहुत बढ़िया जी हर साल करवाएंगे? हर साल होगा भाई साहब हर साल देसी घी का भंडारा है 3,000 आदमियों का भंडारा कराते हैं। अगर हम पहली कुश्ती की बात करें तो उसमें फिक्स कर दी होगी वो हाथ मिलवा दिए होंगे पहले से या आने के बाद आने के बाद करेंगे जी जो भी पहलवान आएंगे एक करानी दो करानी है जो भी यही करेंगे। अच्छा यहीं पे आएंगे यहीं पे हाथ मिलवाएंगे पहली कुश्ती का या फिर सेकंड है या थर्ड है जो भी है पहली दूसरी तीसरी जो भी कुश्ती सब की होगी जी। बहुत बढ़िया पहलवान जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दुआ करते हैं कि ये इस तरह का आयोजन आप हर साल करवाते रहे और आप लोगों से मिलने का मौका मिलता रहे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी काला पहलवान जी। जय बजरंगबली दोस्तों डीएसपी वेदपाल जी विस्थापित करेंगे हनुमान की मूर्ति को और उसके बाद कुश्तियां शुरू होंगी धूपबत्ती लगाई जाएगी ज्योति जगाई जाएगी बजरंगबली की ताकि किसी पहलवान को किसी प्रकार की इंजरी या फिर चोट न लगे करते हुए डीएसपी वेदपाल जी लगाते हुए और इसके बाद कुश्तियां शुरू होंगी पहले छोटे बच्चों की कुश्तियां होंगी उसके बाद बड़ी कुश्तियां धीरे 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 बड़े पहलवानों की कुश्तियां शुरू हो जाएंगी और पहलवान जी ने धूप चला दी है और अब कुश्तियां शुरू होंगी शुरू हो गई हैं छोटे बच्चों की कुश्तियां चल रही हैं और पब्लिक अभी आने शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी संख्या में छोटे बच्चों की कुश्तियां चली हुई हैं। चरण सिंह आइन दोनों बढ़ता नारे खड़े करते बाकी गन बैठा दे आप आठ मिल जाएंगे बाकी गन बैठा दे गांव टिकान कला चरखी दादरी और सामने आप जो देख रहे हैं डीएसपी वेदपाल जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है उन्हीं ने इस दंगल का आयोजन करवाया है और धीरे धीरे पब्लिक कुश्ती प्रेमी कुश्ती देखने के लिए आते हुए कुश्ती प्रेमियों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। 500 रुपये की कुश्तियां शुरू हो रही है अभी जो कुश्तियां चल रही है 500 रुपये की कुश्तियां हैं 70-75 किलोग्राम के पहलवान 80 किलोग्राम के पहलवान लड़ रहे हैं 500 रुपये की कुश्ती है ये और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में लगातार
लगातार बढ़ोतरी होती हुई पब्लिक में। अभी जो ये कुश्तियां चली हुई हैं ये हैं 1100 रुपए की और पब्लिक में लगातार इजाफा होता हुआ बढ़ती हुई। भाई कमेटी कह रही है बार बार आके सू हो रही है जितनी भी बैठी 5100 रुपए की कुश्तियां शुरू हो गई है बड़े पहलवानों की और पब्लिक में लगातार इजाफा होता हुआ बढ़ती हुई लगातार लगातार पब्लिक बढ़ती हुई। राजवीर पहलवान जी मैं रहना मोहित पहलवान मैं रहना मोहित मैं रहना हमारे मत है वीरेंद्र पहलवान दिल्ली करवाओ जी आदित्य जी दिल्ली जगबीर शौकीन नीलोठी मदन कुमार उर्फ मिंटू प्रधान जी और प्रदीप करण चारों के चारों बहुत ही अच्छे समाज सेवी सज्जन और इन चारों मानवों को रामकरण नंबरदार जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा सबसे पहले आदित्य जी दिल्ली श्रीमान जी आपसे प्रार्थना एक बार दंगल के बीच में आ जाए और जोगिंदर जी एक यूपोर भेज दो एक बार हाथ मिलवाऊंगे एक बार दोनों ने भेज दो एक बार हाथ मिलवाने के लिए आदित्य जी दिल्ली जगबीर नीलोठी जगबीर जी शौकीन नीलोठी मदन कुमार बड़े पहलवानों की कुश्तियां शुरू हो गई हैं। अभी जो कुश्तियां चली हुई हैं वो हैं बड़े पहलवानों की और वहां पर जांगिया पकड़ के और ये जो कुश्ती लाल जांगिया में सोमवीर रुखी के साथ लड़ रहा है ये अंकिता उमेश पहलवान का छोटा भाई बड़ा बेहतरीन पहलवान है और निवेदन है चाहिए इन डालिए पानी वाली बोतल में खड़े हो गए तू और 10 फुट पहलवान जी होटल जाए बैठ जाए और पब्लिक में लगातार इजाफा होता हुआ बहुत ज्यादा संख्या में पब्लिक आई हुई है लगातार कुश्तियों का मजा लेते हुए जितेंद्र गांव गोठड़ा कैप्टन जोरा सिंह अखाड़ा गोदड़ी कैप्टन जोरा सिंह अखाड़ा गोदड़ी अब जो कुश्तियां हो रही है ये बहुत तगड़ी कुश्ती होने लग रही है भाई दंगल में। और दोस्तों आज की फाइनल कुश्ती चली हुई है बहुत देर हो गई है फाइनल कुश्ती चली हुई है लगभग आधे घंटे से ये कुश्ती चल रही है और देखते हैं इसका क्या नतीजा रहेगा लेकिन समय भी बहुत हो चुका है दिन छिप चुका है और इस कुश्ती को कितनी देर तक और चलाएंगे ये देखने वाली बात होगी उसके बाद निकलेंगे घर के लिए अंधेरा होने लग गया है और ये फाइनल कुश्ती है इस दंगल की फाइनल कुश्ती का टाइम हो गया जी कुछ अब बताओ और टाइम देना है और मेरे ख्याल से ये कुश्ती जो है ना खत्म हो गई है बिल्कुल समाप्त हो गई है फाइनल डिसीजन ले लिया दोनों पहलवान बराबर रह गए हैं इस कुश्ती में धन्यवाद भाई निर्णायक जो थे वो यही रहे। नमस्ते भाई रात हो गई है पहलवानों की दोनों और अभी निकलते हैं घर के लिए सभी को राम राम जय हिंद भारत माता की जय दिनेश सिंह ने बैठे मिठाने का इशारा न करछी सेल के लिए।